बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहुत जल्दी गए हैं 56। जी हाँ, इतना प्यार पूरे हिंदुस्तान ने और फैंस ने दिया है तो ऑब्वियसली प्रिविलेज फील करते हैं अपने आप को, और बहुत अच्छा लगता है। और आई होप कि ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे। सलमान जी, आज ही मतलब हम आपके बर्थडे पे हर साल आते हैं, सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी, एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल गई थी। हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया था, तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी इन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया, तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी, तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तब उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए, और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंधारी जो क्रेट है, क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने वो सांप को प्यार से वापस यहीं पर छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसी लग रही है आपको? हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं, तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से एहतियात से एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो, तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और बड़े एकदम शर्मा शर्मा के मैंने बेमुरबत है, तो ठूस 3 बार काट लिया, जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी है, तो उसने काट लिया। लेकिन ये अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी इक्विप था, उनके पास हर सांप की एंटीवेनम था उनके पास।